नमस्कार फ्रेंड, जैसे कि मैं आपका मित्र दीपक बोल रहा हूँ और आज मैं आपको MI की टीवी में कैसे आप माउस को कनेक्ट करके ऑपरेट कर सकते हैं और कैसे इंटरनेट नेट वगैरह आप टीवी पे यूज कर सकते हैं और गेमिंग वगैरह खेल सकते हैं, उसी के बारे में आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ कि कैसे आप उसको यूज कर सकते हैं और उसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मेरे पास ये एक माउस है और ये टीवी का रिमोट है। आप देख सकते हैं जैसे कि ये माउस जो है, तो मेरे इसमें जो पोर्ट दिया हुआ है, USB का पोर्ट दिया हुआ है, उस USB पोर्ट में मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा। अभी मैं नहीं कनेक्ट किया हूँ तो कनेक्ट कर दूंगा और इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि पोर्ट कहाँ दिया है। तो टीवी में आप जैसे आएंगे पीछे साइड, तो टीवी के पीछे साइड आएंगे तो आप देखेंगे कि इस साइड पोर्ट डला हुआ है, तो आप ये भी देखेंगे। और इसमें पोर्ट जो दिया है तो तीन दिया हुआ है USB का, तो मेरे इसमें कनेक्ट कर लेते हैं और फिर इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। अभी टीवी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं किसी तरह से कोई माउस का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो इसको मैं लगाता हूँ और माउस को आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने माउस को लगा दिया है और ये आपकी लाइट भी जलने लगी। आप देख सकते हैं कि माउस की लाइट भी जल रही है पूरी तरह से। और मैं आपको दिखा देता हूँ टीवी के पीछे की ओर से, ये आप देख सकते हैं टीवी के पीछे मैंने माउस का लगा दिया है। और मैं वायर भी दिखा देता हूँ आपको, माउस का ये वायर आप देख सकते हैं मैं USB मोड पे लगा दिया हूँ। और मैं आपको टीवी स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ कि ये आप देख सकते हैं माउस को मैं जब पुश करता हूँ, तो जब पुश करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे माउस का ऑप्शन कहाँ पर आ रहा है। ये आप देख सकते हैं ये टीवी का ऑप्शन आ रहा है और इसमें आप इसको जब घुमाएंगे ऐसे तो आपका स्क्रॉल आपका नीचे की ओर जाएगा। ये आप देख सकते हैं पूरी तरह कंप्यूटर की तरह ऑपरेट कर सकते हैं इसको और कंप्यूटर की तरह एकदम से चला सकते हैं आप इसको। ये आप देख सकते हैं पूरा, और गेम वगैरह आपको खेलना हो तो गेम में भी जा सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं जैसे कि मैं आपको गेम खेल के दिखाता हूँ। ये गेम जैसे हो गया, मैं इसको ओपन करता हूँ और जैसे ही ओपन करता हूँ मैं माउस से रिमोट से एक भी यूज नहीं कर रहा हूँ, पूरा इससे ही खेल रहा हूँ। और इसको आपको कैसे ऑपरेट करना है ये आप देख सकते हैं कि ये माउस है आपका और माउस का ऑप्शन आएगा और माउस का जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप इसमें गेम पूरी तरह से खेल सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको यूज करके गेमिंग को वगैरह आप कीबोर्ड और माउस से चला सकते हैं। तो गेम को मैं एग्जिट करता हूँ और चलता हूँ दूसरे की ओर, तो मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं मैं पूरा कंप्यूटर की तरह यूज कर सकता हूँ इसको और सेटिंग्स वगैरह भी आप इसमें चला सकते हैं। तो जैसे मैं सेटिंग आपको खोल के दिखाता हूँ, मैं रिमोट नहीं यूज कर रहा हूँ, आप ये देख सकते हैं माउस का ऑप्शन है और मैं माउस में चलता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं मैं सेटिंग खोल लिया हूँ और सेटिंग खोलने के बाद आप इसमें माउस से स्क्रॉल करके ऊपर नीचे जा सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि जैसे मैं सेटिंग्स में किसी में भी यूज करता हूँ, जैसे डिवाइस परफॉर्मेंस में क्लिक किया और ये मैं इसको स्क्रॉल ऊपर नीचे कर सकता हूँ। तो इसमें पूरी तरह आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप एकदम कंप्यूटर के जैसे इसको यूज कर सकते हैं। और इसमें आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कीबोर्ड लगा के गेम वगैरह कैसे चलाते हैं और गेम वगैरह कैसे खेलते हैं उसी के बारे में आपको पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आपको यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना और चैनल उसमें पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना ऐसे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करना जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आप कैसे इसमें कीबोर्ड को यूज करके आप इसको चला सकते हैं और पूरी तरह से इंजॉय कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए सभी मित्रों का मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।